हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशेज़ एंड डिशेज़। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम का मुरब्बा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा होता है। आम का सीज़न भी चल रहा है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। ये जो मैं मुरब्बा बनाने वाली हूँ, इसको हम किसी भी तरह के पराठे या कचौरी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मीडियम साइज़ के कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छे से धोकर हम छील लेंगे। आम को छीलने के बाद हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आम बहुत कच्चे और हार्ड होने चाहिए, तभी हमारा मुरब्बा अच्छा बनेगा। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारी कच्चे आमी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम अपनी ग्रेट की हुई कच्ची आमियों को बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब हमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आम का मुरब्बा बनाने के लिए। मैंने यहाँ थोड़ी सी केसर ली है और उसको पानी में भिगोकर रख दिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ लिए हैं कटे हुए गोला, काजू, बादाम, और मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 इलायची, 1 टीस्पून चिरौंजी, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, गोला, किशमिश, चिरौंजी और काजू। शुगर मैंने ली है 250 ग्राम। अब हम नॉन स्टिक पैन में ऐड करेंगे 1 बड़ा स्पून तेल। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम शुगर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर, जिसको मैंने पानी में भिगोकर रखा था, और केसर को हम अपनी चीनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। केसर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है हमारे मुरब्बे में, इसलिए मैं इसमें केसर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसको 10 मिनट तक चलाते रहेंगे, जब तक हमारी चाशनी बनकर रेडी ना हो जाए। तो देखिए, हमारी चाशनी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिरौंजी। चिरौंजी को हम अपनी चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो कच्चे आम कद्दूकस किए थे, उनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अपनी चाशनी में हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चाशनी का जो टेस्ट है वो हमारी कच्ची आमी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, इसी तरह से अभी हम इसे और पकाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। जो मैंने 10 इलायची ली थी, उनको मैंने पीस लिया था मिक्सी में। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ गोला, किशमिश, चिरौंजी, काजू और बादाम। आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे, ताकि हमारी चाशनी और अच्छे से पक जाए और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। अगर ये अच्छे से नहीं पकता, तो हम इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक ही होनी चाहिए।
अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। और हमारी चाशनी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी, इसलिए अब हमें इसे और नहीं पकाना है। अब हम अपने मुरब्बे को सर्व कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लेंगे। इसको हम 1-2 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।